एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया था, इसमें बोला गया था कि आप लोग आंखें बंद कीजिए, आपके आसपास ही है केजरीवाल जी, तो मतलब कैसे हो, तो जेल में है ना। केजरीवाल जी बोलते हैं कि यमुना साफ करेंगे, करी कितनी बार केजरीवाल जी ने डुबकी लगवा ली यमुना जी में। बता, मेरा क्वेश्चन आपसे है, आम आदमी पार्टी से हर जगह कॉन्फ्रेंस पे अरविंद केजरीवाल की जगह सुनीता केजरीवाल बैठ रही हैं, तो क्या अब आप लोग ऐसा कुछ करने वाले हैं कि सुनीता केजरीवाल को सीएम का नहीं, चेहरा बना हमारे यहाँ देंगे? पे ना वाइफ्स को अबैंडन नहीं करते, साथ लेकर चलते हैं, शादी की तो मैं 10 सेकंड निभाते और महात्मा गांधी की फोटो हटाकर केजरीवाल जी की लगा दी, वो भी उनके पीछे खड़े होकर। अभी मैंने आंख बंद किया था जब आप इनसे हैं। बात अरे कर रहे थे, भाई, केजरीवाल जी यहाँ खड़े आए मेरे, और उन्होंने बोला ये सब मिले हुए जी, संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, एक तरफ सरदार भगत सिंह और बीच में केजरीवाल सलाखों के पीछे, वाह ये तो आइडल है, वाह। एक सेकंड, जय श्री राम दोस्तों, तो स्वागत है आपके अपने चैनल जालिम दुनिया में। तो आज की एक और डिबेट देखने वाले हैं, बहुत ही शानदार, क्योंकि आज की डिबेट में किस तरह अपने आप को कट्टर ईमानदार पार्टी कहने वाली प्रवक्ता की आज बड़ी अच्छी खासी बैंड बजने वाली है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और नेता लोग सभी बोलते हैं कि हमारे जैसा कट्टर ईमानदार कोई है ही नहीं, लेकिन आज ऑडियंस ने उन्हें बताया कि आप कितने बड़े कट्टर ईमानदार हो, क्योंकि आज की वीडियो में ऑडियंस ने आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता की बड़ी अच्छी खासी बैंड बजा दी। तो ये वीडियो बड़ी फनी एंड मजेदार होने वाली है, तो आप प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमें एक लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। के नेता तो भ्रष्टाचार के आरोप में आपके जो सर्वोच्च नेता हैं वो जेल में हैं, तो आप लोग कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार कुछ करेंगे, या फिर सिंपथी वोट के सहारे सोच रहे हैं? अंजना जी देखिए, हमारा मुकाबला बंगारू लक्ष्मण की पार्टी से है, जिसकी छत्रछाया में आज आदर्श स्कैम, नारदा स्कैम, शारदा स्कैम, व्यापम स्कैम, वाटरलू स्कैम, सारे स्कैमस्टर्स सब बंगारू लक्ष्मण की पार्टी में एक जगह इकट्ठा हो गए हैं। हमारे नेता इसलिए जेल में है क्योंकि दिल्ली एकमात्र राज्य है जो प्रॉफिट में है, लगातार साल दर साल उसका बजट हमने बेहतर बजट पेश किया है। जो हमारे ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इनके सारे स्टेट, इनसे पूछिए एक स्टेट बताएं भाजपा का जो प्रॉफिट में हो, 200 लाख करोड़ के कर्जे में। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी को किसके आधार पर अंदर किया गया? दो बयानों के आधार पर, क्योंकि इन्होंने पीएमएलए कानून में ऐसे संशोधन किए कि सिर्फ बयानबाजी के आधार पर, इसने कहा उसने कहा के आधार पर किसी को भी जेल में रखा जा सकता है। वो दो बयान कौन से? पहला है शरद रेड्डी का, जिससे इन्होंने 60 करोड़ रुपया लिया। 60 करोड़ लेने के बाद शरद रेड्डी वो व्यक्ति है जो कोर्ट जाता है, कहता है मेरे पे दबाव पड़ रहा है अरविंद केजरीवाल का नाम लेने का, मैं नहीं लूंगा। फाइनली इससे 60 करोड़ बीजेपी को जाता है, सरकारी गवाह बनता है, बेल होती है। दूसरा बयान है मगुंता रेड्डी का, जो भाजपा की टिकट पे कॉन्टेस्ट कर रहे हैं आंध्र प्रदेश में। ऐसे गवाहों के बयान पर पीएमएलए के कानून में हमारे नेता को अंदर करा हुआ है, उसका मतलब ये नहीं कि वो भ्रष्टाचारी है। अरविंद केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार थे और रहेंगे। अरे रुको जरा, बैठी है जो हमारी आम आदमी पार्टी के साथी मंच पर चढ़ के रामलीला मैदान में बोलती थी, ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी लालू है, उनको कौन सी साबुन की बट्टी से धोया जो आज गठबंधन कर लिया, ये कौन सा साबुन की बट्टी थी, हमारे में तो सवाल पूछे। दूसरी बात दूसरा आग्रह करूंगा, मैं अकेला युवा हूँ इस चैनल पे और सारे युवा बैठे हैं। नीतीश कुमार जी क्या बोल रहे हैं मोदी जी पर, गुस्सा मत होइए, सुन लीजिए, युवाओं का समय बहुत कीमती होता है, बर्बाद सुन लीजिए। अब ये आम आदमी पार्टी नहीं, आम अराजक पार्टी की प्रवक्ता यहाँ पे बड़ा चीख चीख के कह रही थी। अरे युवाओं का समय कीमती होता है, समझिए इस बात को, सुनिए बात प्लीज। अब देखिए, अब बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, उन्हें बोला शरद रेड्डी, बड़ा बड़ा नाम ले रहे हैं, और जिनका नाम है और जिनके बारे में कहना चाहते हैं कोर्ट में जाके क्यों नहीं कहते? अगर जिसको बेल मिल गई 6 महीने में, उसके लिए कौन सी अमेंडमेंट हुई थी, जिसको 1.5 साल की नहीं मिल रही उसको क्या हो गया? अरे आप ही के वकील, ये टीवी में कुछ और बोलेंगे और कोर्ट में कुछ और बोलेंगे। कोर्ट में एक बार भी नहीं बोला अरविंद केजरीवाल ने कि मैं कॉपरेट कर रहा हूं, ईडी ने बोला पासवर्ड नहीं दे रहे, जो चोर होगा वही पासवर्ड नहीं देगा। बात पूछता हूँ, पॉलिसी बनाई आपने, जोन बांटे आपने, ठेके बांटे आपने, बोतल पे बोतल दी आपने, फायदा किसी और को वापिस ले लिया आपने, विधानसभा में खड़े होकर बोला आपने, घाटा हुआ आपकी सरकार को, फायदा किसी और को, और कौन से प्रॉफिट की बात करते हैं? दिल्ली का कोई भी व्यक्ति यहां पे बैठा होगा युवा, वो जाकर के बता देगा 10 साल में देश की राजधानी में आप पाइपलाइन से पानी नहीं पहुंचा पाए, जल बोर्ड का इतना बड़ा स्कैम आपने किया, काला पानी लोगों के घरों में आ रहा है, और फिर आप मॉडल की बात करते हैं? कौन सा मॉडल है वो? कोई मॉडल नहीं है। इनने लोगों ने इनके लिए तो एक शेर मेरे को याद आता है, मैं बचाता रहा दीमक से कुर्सी अपनी और ये चंद कुर्सी के कीड़े पूरी दिल्ली खा गए। हम बचाते रहे देश की जनता, बचाते रहे कि दिल्ली को कैसे बचा ले और ये लोग खा गए, और फिर मॉडल की बात करते हैं। ठीक है, मेरे को आम आदमी पार्टी से मैं प्रियंका जी से पूछना है, जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया था, इसमें बोला गया था कि आप लोग आंखें बंद कीजिए, आपके आसपास ही है केजरीवाल जी, तो मतलब कैसे हो, तो जेल में है ना? आप कर मत लीजिएगा आंख बंद, डर हो जाएगा। कहते थे
सुनीता केजरीवाल जी कहती है उनकी केजरीवाल जी अंदर है लेकिन उनकी आत्मा बाहर है, आंखें बंद करिए, महसूस करिए, वो सामने आपको दिखेंगे। मतलब ये क्या नौटंकी है। दूसरी चीज बढ़िया था गुरु। बात केजरीवाल जी बोलते हैं कि यमुना साफ करेंगे, करी कितनी बार केजरीवाल जी ने डुबकी लगवा ली यमुना जी में। दूसरी बात ये 1993 में बुल्लर जो जिन्होंने दिल्ली विस्फोट हुआ था दिल्ली में, उसमें बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उसमें उनके हिस्सेदारी थी, खालिस्तानी है वो, उनके साथ उनको रिहा करने की बात कही थी। 135 करोड़ सवाल क्या है, सवाल ये है कि अगर इतने ईमानदार हैं केजरीवाल जी तो 135 करोड़ खालिस्तानी ग्रुप ने उन्हें फंडिंग करी है। तो जवाब सुनिए। देखिए अब जाइए, पहला सवाल आपने मुझसे पूछा वो मैं आपको बता दूं, हम जो हमारे अरविंद केजरीवाल जी हमारे लिए एक विचार है, वो एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने एक विजन, प्लीज उसका ये था कि इमोशनल ड्रामा क्या बिल्ड किया जा रहा है सहानुभूति पाकर वोट पाने के लिए, बिल्कुल भी नहीं ये उसका सवाल था। देखिए सुनीता जी का लहजा था उस पर सवाल था, नहीं वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपको देखना होगा, बंद कीजिए, आपको देखना होगा सुनीता केजरीवाल जी एक ऐसे व्यक्ति के साथ बिल्कुल चट्टान की तरह खड़ी है जिन्होंने देशभक्ति के चलते अपना सब कुछ त्याग दिया, तो आपको वो भी अकाउंट में लेना पड़ेगा। अब आप ये देखिए दिल्ली सबके लिए खुली है, यहाँ पे बिहार से उत्तर प्रदेश से सारे लोग दिल्ली ही इलाज कराने आते हैं और सब वेलकम है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वो सारे सरकारी अस्पताल अरविंद केजरीवाल जी चला रहे हैं और इतने बेहतर तरीके से चला रहे हैं। सरकार का अस्पताल है 70%। कौन सा सर बताइए जरा, केंद्र बताइए 70% ना बताइए, 70% हो गए एम्स की हालत, आप जाके अपॉइंटमेंट मिला के दिखा दीजिए, एक कोई भी अपॉइंटमेंट मिला के दिखा दीजिए। पहले अंगना जी एक पॉइंट, पहली बार दिल्ली में, ये क्या नहीं, कोविड के समय डॉक्टरों को जंतर मंतर पर हड़ताल करना पड़ा, केजरीवाल ने उनको तनखा तक नहीं दिया, झूठ से पुलिस सर का आदेश के बाद तनखा नहीं दिया, ये हकीकत है। 3 महीना पहले जब नीतीश कुमार जी हमारे साथ थे उसको कह रहे दिल्ली के बाद लूट पे लूट, अब ये चले गए उधर तो अब दिल्ली का खराब हो गई। 3 महीना मेरा क्वेश्चन आपसे है, आम आदमी पार्टी से हर जगह कॉन्फ्रेंस पे अरविंद केजरीवाल की जगह सुनीता और केजरीवाल बैठ रही हैं, तो क्या अब आप लोग ऐसा कुछ करने वाले हैं कि सुनीता केजरीवाल को सीएम का चेहरा बना देंगे? ना वाइफ को अबैंडन नहीं करते, साथ लेकर चलते हैं, शादी के तो निभाते हैं। भगवान राम भी वनवास गए थे, सीता जी को लेकर इंदिरा जी, ये थोड़ा ऑब्जेक्शनेबल है। देखिए ये कोई मजाक का विषय भी नहीं है और मैं जितना निचला जाकर खेल रही हूँ मैं उतना निचला जा नहीं महात्मा गांधी की फोटो हटाकर केजरीवाल जी की लगा दी, वो भी उनके पीछे खड़े होकर। अभी मैंने आंख बंद किया था जब आप इनसे बात कर रहे थे, केजरीवाल जी यहाँ खड़े आए मेरे और उन्होंने बोला ये सब मिले हुए जी, ये सब मिले हुए हैं, क्या किया जाए, सब मिले हुए हमने अपने आइडल्स की फोटो लगाई, भगत सिंह जी के लगा दो, रावण की लगा दो, तुरंत गोली दे दो, मुझे एक तरफ सरदार निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, एक तरफ सरदार भगत सिंह और बीच में केजरीवाल सलामों के पीछे, वाह भगत सिंह के ये तो आइडल है, वाह। एक सेकेंड, भगत सिंह जी के परपोते ने इस पर आपत्ति जताई है, वो कह रहे हैं कि हमारे साथ उनकी ऐसे जेल वाली अरविंद केजरीवाल की फोटो क्यों लगाई है, उनके परपोते इस पर आपत्ति जाहिर कर रहे हैं, आज तक ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। देखिए वो एक पब्लिक फिगर है, हमें भी अरविंद केजरीवाल जी को पूरी दुनिया को देना होगा, उनको भी समझना होगा, उस भगत सिंह जी पूरी दुनिया के, हमने अपने आइडल्स की फोटो लगाई, ये अपनों की लगा ले, कंस की लगाए, नथुराम गोडसे की लगाए, रावण की लगाए, हमने कहा मना किया, भाजपा को क्या परेशानी है कि जो अरविंद केजरीवाल जी की वाइफ है वो पीछे उनकी तस्वीर लगा रखी है, और अरविंद केजरीवाल जी का एक स्टेटमेंट है, वो कह रहे हैं कि अगर वहां पे अंबेडकर जी की और भगत सिंह की तस्वीर है तो वहां पे किसी भी पॉलिटिशियन की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। और बात रही सीसीटीवी कैमरा की, मेरे एरिया में न्यू दिल्ली से है शायद विधायक, वहीं अरविंद केजरीवाल, वहां से आपके वहां वोट मांगने आते हैं, कहते हैं कि हम संसद का चुनाव लड़ रहे हैं हमें वोट दे दो, वोट दे दो, और कहते हैं कि सीसीटीवी कैमरा कोने में लगा हुआ है वहां पे कोई भी नहीं रहता है। वहां से उन्होंने बोला कि हम इसको एक हफ्ते के अंदर वहां से वहां लगा देंगे, लेकिन आप आम आदमी पार्टी को वोट देना। एक हफ्ते का 3 हफ्ते हो गया लेकिन अभी तक वहां पे इतनी चोरियां होती है, इतनी सब कुछ होता है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ओके, कैन आई आंसर, इनकी बात का भी कर दूं। देखिए हमें पता था कि केंद्र में एक बहुत यूजलेस सरकार है जिसके अधीन लॉ एंड ऑर्डर आता है, इसलिए अरविंद केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना के तहत भी पूरी दिल्ली में हर जगह एलईडी स्ट्रीट लाइट लगवाई, डार्क स्पॉट्स को खत्म किया, लगभग 2 लाख ऐसे स्पॉट्स थे, ऐसे ही सीसीटीवी का भी किया। मैं आपसे शो के बाद खुद पर्सनली आपका डिटेल्स लूंगी एंड आई विल इंश्योर कि ये ठीक हो जाए, आई इंश्योर, ओके, आई प्रॉमिस। अगला सवाल, जल्दी पूछिए। मेरा जो प्रश्न है वो बीजेपी प्रवक्ता से है, जो मेरा प्रश्न है उसके अंदर तो इतना लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया मेरा, ये
वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपको कट्टर ईमानदार पार्टी के बारे में अपनी कुछ राय रखनी है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम आपसे जल्द मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।